नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं थर्मल स्कैनिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जिस घर में हम हैं वहाँ पे लीकेज और सीपेज की इश्यूज हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई ही होगा, नेकेड आईज से जो हमें पानी की जो इमेज है जो नहीं दिखाई दिया, वो हमें थर्मल स्कैनर की मदद से बड़े ही आसानी से दिख गया। ओनर को ये तो पता था कि उनके घर में लीकेज और सीपेज का इशू है, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सोर्स कहाँ पे है। वहाँ हमें थर्मल स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा टास्क ये था कि हमें लीकेज और सीपेज का सोर्स फाइंड करना था। अब इसके लिए हम हर जगह को खोद के तो देख नहीं सकते, इसलिए हमने थर्मल स्कैनर की मदद से हर एक जगह को स्कैन करना शुरू किया। तो हमने जब फर्स्ट फ्लोर में चेक किया तो हमें कोई सोर्स नहीं मिला, हर जगह का टेम्परेचर नॉर्मल था। तो इसलिए हम सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारी नेकेड आइज को तो नहीं दिखा, पर सोर्स डेफिनेटली घर में ही था। फाइनली हम सोर्स ढूंढते हम ये बालकनी के पास पहुंचे, जहां पे हमें ये पाइप के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन रिकॉर्ड हुआ, जिसका मतलब ये था कि ये है हमारी लीकेज और सीपेज का सोर्स। जैसा कि आपको इस रिजल्ट में भी दिख रहा होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये घर में लीकेज और सीपेज का मेजर इशू था। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें पूरे घर में सोर्स ढूंढते किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। हमें इजीली पता चल गया कि एग्जैक्टली हमारी दिक्कत कहाँ पे है, और हमें बड़े ही आसानी से थर्मल स्कैनर ने बता दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पे फोकस करना है।